हेलो नायरा, देखा कितनी स्मार्ट है, अभी से नाम लेने पर रिस्पॉन्ड भी कर रही है। हाँ नैतिक, लगता है इसे अपना नाम अच्छा लगा है। अरे क्यों नहीं पसंद आएगा, छोटी माँ ने रखा है। नक्ष, आप जल्दी से नायरा को गुड नाइट बोलो और अपने कमरे में जाके सो जाओ। मैं अपने रूम में क्यों सोऊं पापा, मैं तो छोटू बेबी के साथ सोऊंगा ना। नहीं नक्ष, आप अपने कमरे में सोओ। पर क्यों पापा, मैं तो बिल्कुल क्लीन होकर आया हूँ, हैंड वॉश, फीट वॉश, माउथ वॉश, ब्रश सब किया है मैंने। हाँ बेटा, पर फिर भी आपको अपने कमरे में ही सोना पड़ेगा। वो क्या है ना कि बेबी रात को रोती है, मम्मा लाइट जलाती है, तो ऐसे में आपको डिस्टर्ब होगा ना, आपको स्कूल भी जाना होता है, फिर आप लेट उठते हो, सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब तक नायरा सेटल नहीं हो जाती ना, पूरी रात सोना शुरू नहीं करती, तब तक आप अपने कमरे में सोओगे, ओके? और पापा, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, मैं यहीं सोऊंगा, प्लीज। नहीं दुख बेटा, प्लीज जाओ, प्लीज। मन छोटा मत कीजिए, उसकी भलाई के लिए हमें करना पड़ा अक्षर। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी मामा मुझे नहीं भूल सकती है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। सोए नहीं अभी तक? मम्मा! अरे पर आप इतनी सुबह सुबह क्यों आ गई? इतनी जल्दी मैं मालिश नहीं करवा सकती हूँ, मेरे बच्चे का स्कूल का टाइम हो रहा है। बस आज करा लो बीबी जी, हमारे को कुछ काम है आज। नहीं नहीं, आज मैं नहीं करवा सकती। आप करवा लीजिए, नेक्स्ट को मैं देख लूंगा। वैसे रेडी हो ही गया है, बाकी की हेल्प मैं कर दूंगा उसकी। नहीं नैतिक, अभी उसे नाश्ता देना है और भी बहुत सारे काम है, आप जाइए, मैं अभी नहीं करवा सकती हूँ। शराब करवा लीजिए, ये भी तो जरूरी है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन आप उसके सारे काम देखिए फिर, उसका टिफिन, उसका नाश्ता और उसकी दवाई सब ठीक से होना चाहिए। सब ठीक से ही होगा मैडम, आप करवा लीजिए। मैं जाता हूँ। मुझे नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है, मम्मा जैसा पराठा बनाती है मुझे वैसा ही चाहिए। बेटा वैसा ही बनाया है। नहीं, उनका पराठा बहुत अच्छा होता है, मुझे वही चाहिए, ये नहीं खाना। नक्ष खा लो ना बेटा। नहीं मैंने खाना, मुझे नहीं खाना। नक्ष ये कैसे बात कर रहे हो आप? मुन्ना रहने दे, लल्ला आ, तुझे मैं खिला दूं। नहीं मुझे मम्मा के हाथ से ही खाना है। मम्मा बिजी है बेटा। छोटी माँ आपने दवा दे दी? हाँ वो तो पहले ही दे दी, पहले दवाई फिर नाश्ता देना होता है। कल से मैं किसी के हाथ से भी दवाई नहीं लूंगा, सिर्फ मम्मा ही देंगी मुझे। नक्ष क्या हो गया आपको, क्यों बोले जा रहे हो इतना? आप सॉरी बोलो और चुपचाप खाओ। अरे नक्ष, बेटा अभी नहीं खोल सकती, सॉरी मम्मा बिजी हैं। प्लीज खोलिए ना मम्मा, मुझे आपके हाथ से खाना खाना है। नहीं बेटा अभी नहीं खोल सकती हूँ, आप खुद से खा लो, या फिर एक काम करो पापा से कहो, वो खिला देंगे, ठीक है? देखा आपने, सुबह सुबह मेरे बच्चे का मूड खराब हो गया, दोबारा ये टाइम की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे का स्कूल होता है, इस टाइम उसको रेडी करना होता है, सब कुछ देना होता है, मैं बाकी सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन उसके टाइम के साथ कोई गड़बड़ नहीं होने दे सकती।
नक्श, सुनते नहीं हो ना, जिद करके चले ही गए। क्या कहा मम्मा ने? मम्मा बिजी है ना, आओ मैं खिला देती हूँ। नहीं, मैं खुद ही खा लूंगा। मुझे स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? राधे कृष्ण। अरे राधे कृष्ण। हाय। हेलो। हाय, क्या बात है, आज सुबह सुबह आ गए आप मुस्कान से मिलने के लिए। आओ बेटा, गर्मा गर्म पराठे बन रहे, तुम भी खा लो, बैठो। अब इतने अच्छे ऑफर को मैं कैसे मना कर सकता हूँ भाभी माँ, लाइए खिलाइए। दुगू कहाँ है? दुगू तो स्कूल चले गया। हे भगवान, मैंने अपना सारा काम जल्दी खत्म किया ताकि उसे बाय बोल सकूं। भाभी माँ, ठीक से खाया ना दुगू ने? हाँ बहू, कुछ खा के गया, कुछ साथ ले गया। तो परेशान मत हो बेटा, हम सब ध्यान रखते हैं उसका। बहू और लल्ला दिन भर एक दूसरे का नाम रखते रहते हैं। कुछ खा लो अक्षरा, लो आलू। जब भी घर का खाना खाने का मन करे आ जाया करो। जी जरूर, लेकिन फिलहाल कुछ दिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे घर वाले आ रहे हैं। एक्चुअली किसी की शादी है सो सब लोग आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि अगर आप लोगों को ठीक लगे तो क्या मैं उन्हें आप लोगों से मिलवाने ले आऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। दरअसल बेटा, हम सभी चाहते हैं उनसे मिलना। बस हो गया ना, वैसे तो बड़ा कह रहे थे कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता, अक्षरा शादी अटेंड करने के लायक नहीं हो जाती, तब तक हम लोग शादी नहीं करेंगे। और अब जैसी बच्ची हुई नहीं, हो गई तैयारी शुरू। अरे नहीं नैतिक, मैं तो सिर्फ मिलवाने के लिए कह रहा था। शादी तो जब आप सबको ठीक लगे तभी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, वैसे ये काम भी ना जल्दी से कर डालो, वरना पता चला कि नायरा की शादी तक ना ये बात टली गई। पेज नंबर 56 खोल दीजिए। यश, तुझे कैसा फील होता था जब सब लोग छोटू बेबी को ज्यादा प्यार करते थे और तुझे कम? पहले तो मुझे अलग सोने बोला, फिर मेरा रूम चेंज कर दिया। पहले मम्मी मेरे सारे काम करती थी, अब बोलती है खुद कर लो। हमेशा छोटू बेबी के साथ ही बिजी रहती है, पापा के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है। और दादी तो तुझे पता ही है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? तेरे साथ भी ऐसा है? नहीं, मेरे साथ ऐसे बिल्कुल नहीं होता, मुझसे तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं। तू बहुत लकी है। इसकी आदत तो अभी से ही खराब हो रही, एक मिनट के लिए नीचे रखो तो रोने लगती। तो रहने दे ना बहू, अब नहीं गोदी आएगी तो कब आएगी? तानी क्यों, पर तुम्हारे दत्ताजी आज बार बार मुझे बुला रहे हैं, नहीं तो मैं ही इसे गोदी लेके बैठती। वैसे तो मैं भी बैठ जाती अक्षरा, पर क्या करूँ, इतनी दवाइयाँ बनानी है। सारे लोग आ रहे हैं वैसे तो नायरा से मिलने, पर दवाइयों की फरमाइश देके जा रहे। एक पंच दो काज, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इसे संभाल लूँ। वैसे भी मुझे काम ही क्या है। दिव्या नी, कौन कौन आ रहे हैं, कितने बजे? बहुत लोग आने वाले भाभी माँ, और सब अपने अपने टाइम पे। छोटी माँ, सब लोग एक साथ नहीं आ सकते एक ही टाइम पे, ऐसे अलग अलग आएंगे ना तो मैं और नायरा तो पूरे दिन थक ही जाएंगे। माँ, भाभी को रेस्ट करने का टाइम भी तो मिलना चाहिए ना, कल ये लोग नामकरण में आए नहीं और ऐसे आ जाके सब डिस्टर्ब कर रहे। पर क्या करे करिश्मा, मना तो नहीं कर सकते ना, खुशी का मौका है तो लोग तो आएंगे ही। तो आने दीजिए ना छोटी माँ, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा हमारी नायरा को। वैसे आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑफिस में काम नहीं है क्या? हाँ हाँ, बहुत काम था, लेकिन मैंने सोचा घर से ही कर लेता हूँ और फिर आपकी हेल्प भी कर दूंगा, आप अकेले जो संभाल रही नायरा को। अच्छा बहाना है नैतिक नायरा के पास रहने का, क्यों? अब आ ही गए थे तो डुकू को भी साथ ले आते नैतिक। वो मैंने मोहित को कह दिया है, दोनों बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लेगा
और फिर अपने साथ ही घर ले जाएगा। क्यों? आपने कहा था ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं घर पर, तो फिर नक्श पे भी ठीक से ध्यान दे नहीं पाएंगे, और फिर कल उसका टेस्ट भी है, तो वो मोहित को कह दिया है, दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी देगा। क्यों, क्या हुआ? नहीं वो पता नहीं उसका मन लगेगा भी वहाँ पे या नहीं। लगेगा क्यों नहीं, वैसे तो बहुत मस्ती करता है जब वहाँ जाता है। हाँ वो तो है, पर अब बात और है रितिक, अब उसे नायरा के साथ ज्यादा मजा आता है, और स्कूल से आते उसे सबसे पहले मम्मा चाहिए होती है, आज तो सुबह ठीक से मिल भी नहीं पाई उसे। कोई बात नहीं अक्षरा, शाम को तो मिलेगा ही ना। हाँ बहू, मुन्ना बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ लल्ला बहुत परेशान हो जाता बेटा। तो इन वे नक्श के लिए अच्छा ही हुआ ना, आई मीन गुड फॉर स्टडीज। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आई आई आप दोनों यहाँ, मैं कब से आप दोनों को वहाँ ढूंढ रहा हूँ, चलो घर चलें। पापा आज नक्श लेने कोई नहीं आया। अरे मैं आया हूँ ना। पर आप क्यों पापा जी? क्योंकि आज आप मेरे साथ हमारे घर चल रहे हो, इतने दिन से घर नहीं आए, इसलिए आज मैं आपको किडनैप करके अपने यहाँ लेके आ जा रहा हूँ, और शाम तक आप वहीं रहोगे। नहीं पापा जी, मुझे अपने घर जाना है। बेटा क्या है ना, आज आपके घर में सब बहुत बिजी है, बहुत मेहमान भी आए हुए हैं, और कल आप दोनों का टेस्ट भी है ना, इसलिए आपके पापा ने कहा है कि आज मैं आपको घर ले जाऊं और पढ़ा लिखा के टेस्ट लिए रेडी कराऊं। चलो हमारे घर चलो। ये लीजिए मां। आ गया मेरा बेबी, इधर आओ। नैतिक आप प्लीज मोहित जी से कह दीजिए कि वो यहाँ आ जाए, ऐसे डुकू यहाँ नहीं रहता तो हमें बहुत याद आती है इसकी, हम बहुत मिस करते हैं इसे। और नायरा भी कितना याद कर रही थी अपने भैया को, देखो कैसे वेट कर रही है आपका। हाँ अक्षरा, हमारी किसी भी बात का ना कोई जवाब नहीं देती हो, और नक्श कुछ भी पूछता है ना तो देखिए एकदम से रुक देती है उसे। वैसे डुकू आपने परेशान तो नहीं किया ना वहाँ किसी को? मोहित भैया ने कहा है कि नक्श ने ना बिल्कुल गुड बॉय की तरह बिहेव किया, और दोनों बच्चों ने टेस्ट की पूरी तैयारी कर ली है, कल दोनों फुल मार्क्स लेकर आएंगे। ऐसे डुकू हमने भी यहाँ आपको बहुत मिस किया। झूठ, आप लोगों ने मुझे वहाँ भेजकर अकेले अकेले खूब मजे किए। नहीं बेटा बिल्कुल भी मजे नहीं किए, बल्कि हमने सच में आपको बहुत मिस किया। पर एक बात बता, अच्छा ही हुआ आप यहाँ नहीं थे, आपको पता है यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, और वो जो दादाजी है ना वो बड़ी बड़ी खूब सारी अंगूठियां पहन के आते हैं और आपकी चिक्स भी पुल करते हैं, वो आए थे यहाँ। हाँ, और तो और वो आंटी नहीं है जो आपको खूब सारी किसी करती है और आपको अच्छा नहीं लगता, आपके बारे में तो बहुत पूछ रही थी, और वो जो खट्टी वाली लेमन टॉफी है ना वो भी देकर गई है आपके लिए, और खास तौर पे कह के गई है कि आपको खिलाई जाए। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अच्छा हुआ मैं घर पर नहीं था। आपको पता है आपकी बहन नायरा कितना थक गई सबसे मिल मिल के। अच्छा बेटा हमारा एक काम करोगे, आप अपनी बहन को आज सुला दो प्लीज, मम्मा पापा भी बहुत थक गए। ओके मम्मा। ओले ओले उई। नायरा आपके बड़े भैया ने हैंड वॉश नहीं किए, वो भी हाथ धो के आते हैं। ओके ओके। मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, तो आज मैं अपने रूम में सोऊंगा, क्योंकि फिर मुझे जल्दी भी उठना है, कल मेरा टेस्ट है ना इसलिए। मम्मा अभी मैं अपने रूम में जाऊं प्लीज। ओके बेबी। थैंक यू मम्मा। बाय नायरा, गुड नाइट, बड़े भैया कल आपके साथ खेलेंगे। ओके गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। शुक्र है भगवान का मूड ठीक तो हुआ इसका, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं नाराज ना हो जाए। ऐसे कैसे नाराज हो जाएगा अक्षर? हाँ दीदी आप उसे इतना प्यार करती हैं, इतना समझती हैं आप उसे, तो फिर नाराज होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमारा लल्ला है ही बड़ा समझदार, उसे प्यार से समझाओ सब समझ जाता है। हाँ भाभी माँ, वैसे भी बस कुछ ही दिनों की बात है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, फिर सब ठीक होगा।
पापा गुड नाइट कैसे करेंगे, तुम उनको भौ करके डराऊंगा। सो गया। अच्छा हुआ ना नैतिक इसे बहला दिया, नहीं तो मम्मा पापा ने मुझसे झूठ बोला। मम्मा पापा ऐसा क्यों कह रहे थे कि मुझे बहला दिया? अरे वाह पार्टनर, आप तो बहुत बड़े हो गए हो, अपने आप ही रेडी हो गए। किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है पार्टनर, तो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा ना। बहुत समझदार हो गए हो आप। और बाय द वे मैं आपकी हेल्प करने ही आ रही थी, अब चले ब्रेकफास्ट कर ले। मम्मा कहाँ हैं? वो बेबी के साथ बिजी हैं। चले हाँ। तो बेबी मेरी बिजी है, मुझसे मिलने भी नहीं आएंगी। अक्षरा वो दिल्ली वाली पार्टी का क्या स्टेटस है? उए। मम्मा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। हे भगवान, अब आपके किस फ्रेंड का बर्थडे है जिसके लिए गिफ्ट लेना है और आप मुझे दौड़ाओगे? नहीं नहीं मम्मा, किसी की बर्थडे पार्टी नहीं है। तो फिर क्या है, क्या भूले आप बताओ? बोलो कोई प्रोजेक्ट है क्या? नक्स होमवर्क भूल गया। टेस्ट है कोई? नहीं। फिर क्या है? बोल ना बेटा। मम्मा वो शाम को सारे फ्रेंड्स घर पर आएंगे नायरा से मिलने, और मैंने उनसे पार्टी का प्रॉमिस भी किया है। लल्ला तू कभी कोई भी बात समय पे नहीं बताएगा ना? भगवान देखिए तो सब आज शाम को आएंगे और तुम अब बता रहे हो नक्श, इतनी सारी तैयारियां कैसे होगी अब? नक्श ये बहुत गलत बात है, आपको पता है ना आजकल मम्मा नायरा के साथ कितना बिजी रहती, आपको पहले बताना चाहिए था ना। और इनफैक्ट बताना नहीं, आपको पूछना चाहिए था कि आप ऐसी पार्टी रख भी सकते हो कि नहीं। हर बार अपनी मनमानी करना ना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सॉरी पापा। ठीक है आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा, अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ ना इसलिए। और अगर मुझसे नहीं हो पाया तो मैं सबको मना कर दूंगा। टुगू आप किसी को मना नहीं करोगे, अब आपने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया है तो पार्टी होगी, जरूर होगी, आप जाओ। रियली मम्मा? हाँ। और मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन नक्श आगे से आप ना पहले बताओगे, ओके? ओके। अच्छा ये बताओ पार्टनर कि आपको कैसी पार्टी चाहिए? एकदम रॉकिंग पार्टी, जैसे मेरे बर्थडे पार्टी थी। मुस्कान दीदी आप और चाची मिलकर ही कुछ कर दो ना प्लीज। डन डील नक्श। अभी तुम जल्दी से सो जाओ, बाद में जग जाना, क्योंकि जब मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे ना तब, क्योंकि सबसे मिलवाना है ना तुमको इसलिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।